और इस तरफ बैठे हैं बब्बर शेर। ये देखें भाई साहब, सुबह सुबह के नजारे। आप अक्सर देखते होंगे हम लोग गोश्त मुर्गी पता नहीं क्या क्या बकरे खाते हैं, हम लोग इस तरह का खाना भी खाते हैं और ये हकीकत है। और ये हम लोगों ने मगर क्यों, तो क्या है, मजबूरी है भाई, मजबूरी है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे दोस्तों का पेट खराब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, इस्लामाबाद से। आज हमारा पहला दिन है इस्लामाबाद में और हम शाम को जाएंगे मरी की तरफ, नथिया गली की तरफ, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर छोटे मोटे दो तीन काम है वो करेंगे। और भाइयों को खाना वाने का कोई प्रोग्राम है, इनके पैसों से खाना खाऊंगा मैं। पैसे तो मैं घर बोला, अच्छा याद दिलाया, चलो आप भर देना मैं दे दूंगा। अपना मक्की भाई कह रहे हैं कि ये सांप है, ये सांप नहीं है। नहीं है, फिर चले। यार मेरे दोस्त जो है ना इस्लामाबाद में पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं। यस। आज इन्होंने एक्सप्लोर करना है, खास तौर पे फैसल मस्जिद पे जाना है। पहले फैसल मस्जिद ये अपना खाना मस्जिद कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ सुन के। भाई साहब इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं मिनी गोल्फ क्लब में और यहाँ पर आज हम लोग अपना लंच करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी घूमना फिरना चलेगा हमारा इंशाल्लाह। फैसल मस्जिद के पास जाएंगे, कुछ इन्होंने भाइयों ने मनी एक्सचेंज कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है तो वो साथ साथ चलती रहेंगी। आ जाएं सर। हेलो यार, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ नहीं चलता क्योंकि आप लोग देर बहुत करते हो हर काम में। आप ना चलिए, ये लेट है, ये लेट है, ये तो अब्द रहीम है। ये क्या है भाई, शेरनी? शेरनी है। और इस तरफ बैठे हैं बब्बर शेर। पहले का चेंगे और सही है, यही कहते हैं ना कि मैं कम खाता हूँ। एक बोटी खाई बस, जो ज्यादा खाता है उसने अभी तक बचाया हुआ है। सही बात है ना, मुर्गी है ना। हाँ ये बात भी है, मुर्गी है, चिकन है। यार इसको इधर रखो, बिस्मिल्लाह। वेरी गुड। ये है भाई साहब हमारे पास यहाँ पर मटन कढ़ाई और इस तरफ जबरदस्त प्लेटर, इस तरफ बारबेक्यू है हमारे पास, रायता और यहाँ पर प्लेटर में सलाद है हमारे पास, चटनी भी आ गई। थैंक यू भाई। और सबसे पहले मैं आज सब्जी ट्राई करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। पालक, ये पालक बनी हुई भाई, सॉफ्ट है। क्या यू ठंडा कुछ वाले, ठीक है पानी ठीक है, क्या सॉफ्ट ड्रिंक में है, क्या रहा नहीं गया, मार्केट में मिल जाएगा, पीना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। और ये है हमारे पास यहाँ पर सालन ग्रेवी चिकन का, इसको ट्राई करें। हमारे मक्की भाई बस कर दो यार, पूरी कढ़ाई खाली करनी है, पूरी है। और अब भैया टाइम हो गया है हमारा कढ़ाई, मटन कढ़ाई ट्राई करने का। बिस्मिल्लाह। खूबसूरत मनाजिर के साथ आप अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को साथ बैठ के खाना खाएं, अच्छे अच्छे दोस्त। मक्की भाई अंदर देखें, हम खूबसूरत मनाजिर क्या मतलब, हम है ना, नहीं ये ग्रीनरी और अच्छे अच्छे दोस्त, समझने वाले समझ गए, अच्छे अच्छे दोस्त, इनके साथ बैठ के खाना खाएं। यहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाएं, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाएं, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हम लोग भैया उस जगह पे बैठ के लंच कर रहे थे और अभी आए हैं यहाँ पर बाहर, थोड़ा सा मनाजिर देख रहे हैं। साउंड खूबसूरत नहीं है, वो इसलिए कि कौवे जो है ना उन्होंने अपनी असलियत दिखाई हुई है। भाई साहब अब यहाँ से तो घूम फिर लिया, लेकिन मेरी हो गई है शर्ट ख़राब क्योंकि खाते हुए मैं जो है ना आराम से खाया करें। यार आराम से कैसे तुम्हारे साथ मैं खा सकता हूँ, छीला था आपसे यार, आपके साथ मैं आराम से नहीं खा सकता जी। आप छीन रहे थे, आप तो क्या है, खा ले तब अभी थोड़ा सा, थोड़ा सा इतना ज्यादा खा के और थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना, हमने तो मुर्गी खाई है। हाँ यार ज्यादा खा के थोड़ा सा भी हमारे लिए नहीं छोड़ना चाहता, कहता है मैं थोड़ा सा वाला भी खा लूंगा। यार बस रहने दे यार, वो तो रोना आ रहा है मेरे उसको। नहीं मेरे बच्चों रो। अब हमारा शॉपिंग का टाइम हो गया और हमारे भाई अपने सूट में है और ये भाई देखें कैसे तैयार हो गए, माशाल्लाह तबारकल्ला। इधर देखना भी मत ठीक है, माशाल्लाह क्या बात है, क्या आप नहीं लग रहे, वाह क्या क्या आप नहीं लग रहे,
क्या मतलब नहीं लग रहे? हर चीज लग रहे हो। हाँ, क्या है वो जो नहीं लग रहे? अच्छा, वाह वाह। मक्की भाई, आप वेस्टकोट देख रहे थे? माशाल्लाह, इलेक्शन लड़ने का इरादा है भाई का, ईमान खत्म हो गया। वाह भाई वाह। मक्की भाई उतारे भी मत, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही मरी चले, आपको घुमा फिरा के लाते हैं। मरी यार, माशाल्लाह लग रहा है 5-4 होटल का वेटर। वेटर आ जाएंगे आपके चाय लेने। तो ख़वातीनो हज़रात, हम लोग पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद के पास। देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ पर। और मेरे भाई आए हैं पहली बार यहाँ पर फैसल मस्जिद के पास। पहली बार तो नहीं है, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। पहली बार नहीं है, क्या हो गया? ठंडे जोक छोड़ो। बाकी भाई कैसा लग रहा है आप ना बताओ? मैंने वैसे नहीं पता। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी अब्दुल मालिक, कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर खूबसूरत शाम हो रही है, इंशाल्लाह मगरिब की नमाज भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे और सामने फैसल मस्जिद। चलें जी थोड़ा सा घूमे फिरे यहाँ पर फैसल मस्जिद के पास। कैसा लगा यार? बहुत जबरदस्त है, मजा आया ना? बाकी भाई आपको तो नहीं आया होगा मजा? नमाज पढ़ने की बंद थी मस्जिद। हाँ अभी टाइम है अजान में, अभी तकरीबन 1 घंटा है, तो हमने सोचा अपना सफर जारी करें और भाइयों को मैं लेके जाऊँ। हमने जाना है मरी से आगे शांगला गली की तरफ। किसकी गली? घोड़ा गली से होते हुए शांगला गली। ये भाई के कंधों पे हाथ रख के घोड़ा गली क्यों कहा? शेर वगैरह कुछ दे आती है ना, कुछ कह देते तो समझ आ जाती। शेर गली, घोड़ा गली क्या मतलब? अल्लाहु 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 अल्लाहु। भाई साहब पहुंच चुके हैं शांगला गली में और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सर्दी है। सबसे पहले हमने सोचा कि हम अपने जैकेट्स पहन ले, कोट पहन ले, और हमारे अब्दुलरहीम भाई को वैसे गर्मी जो है ना सर्दी लगती है। भाई साहब यहाँ पर आते ही जो एक तो मौसम ने खुश कर दिया है ना, मज़ा आ गया। और हमारे भाई बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आज, पता नहीं, नहीं, नहीं थकान ख़त्म हो गई, थकान ख़त्म हो गई मौसम देख के। चलें थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब बस हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा डिनर ऑर्डर करना है और उसके फौरन बाद फिर आपको व्यू दिखाएंगे हमारे बेलकोनी से। अब्दुल भाई ताजगी ताजगी महसूस हुई है? बिल्कुल, ये मुझे बताएं सुबह में कितने घंटे रहते हैं? हाय ये बताएं, सुबह में सिर्फ एक नींद रहती है। मैंने तो नहीं, एक डिनर और एक नींद रहती है, एक फजर की नमाज। सुबह का वेट इधर ही करता हूँ अभी। हाँ बस इधर इतना, इतना इतना बेचैन हूँ। हाँ बस इधर से ना एक लकड़ी इधर लगा दें, एक लकड़ी इधर संभल के खड़े रहे। कोई मसला नहीं। असल में आप खुद देख लें कि हम लोग एक पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पहाड़ हैं और आजकल बहुत गर्मी है। भाई साहब यहाँ पर हमारा डिनर आ चुका है। हाँ 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 हाँ, कढ़ाई हमने मंगवाई है और काफ़ी मज़ेदार लग रही है। बिस्मिल्लाह करके ट्राई करते हैं। इस तरफ हमारे पास रोटी है, चपाती, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। देसी मुर्गा बनवाया और इस तरफ हमारे पास रायता है, सलाद है। ये भाई ली हमने चपाती और ये ली बोटी। बिस्मिल्लाह पढ़ के देसी मुर्गा बनवाया है भाई। बिस्मिल्लाह, मज़ेदार। बस थोड़ा सा गला हुआ काम है। देखें भाई साहब ये हमारी बालकोनी से मंजर है, लेकिन ये सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, सुबह सुबह के नज़ारे। ओह क्या मौसम है। ये है व्यू भाई साहब, हमारे यहाँ पर अपार्टमेंट लिया हुआ था तो उस अपार्टमेंट का ये व्यू है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई साहब अभी हो गया हमारा नाश्ते का टाइम और यहाँ पर बूफे लगा हुआ है नाश्ते में। यह क्या चीज़ है भाई जान? पोरिश। ये क्या, किस जगह का खाना है पोरिश? हमने तो पहली बार देखा है। दलिया की तरह है ना? दलिया ही है, दलिया ही है। इधर ऑमलेट रखा हुआ है भाई, पराठा इधर है। हलीम क्या बात है। भाई साहब हमारा नाश्ता आ गया। जिधर आज हमारे दोस्तों की तबीयत जो है ना थोड़ी सी नासाजगार है, तो इस वजह से वो लोग तो नाश्ता कर नहीं रहे दोनों का। रात को ना थोड़ा पेट ख़राब हो गया इसमें, तो इसीलिए नाश्ता मैं अकेला कर रहा हूँ। भाई साहब इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और हमारे
अब्दुलरहीम और मक्की भाई की तबीयत इतनी मज़ेदार नहीं है। खैर कल जो यहाँ पर कपड़े दिए थे, बल्कि जो कपड़े लिए थे उनको सेट करने के लिए दिया था वापस इनको, तो वो अभी लेने के लिए आए हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मक्की भाई, आप पे सूट भी कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हो, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। मुमकिन तो नहीं है नज़र बद लगे, लेकिन हम लोगों से बचाए आपका कह रहे हैं। नज़र लगेगी, लोग अपनी नज़र उतारने के लिए इनको ले जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप अक्सर देखते होंगे हम लोग गोश्त मुर्गी पता नहीं क्या क्या बकरे खाते हैं, हम लोग इस तरह का खाना भी खाते हैं और ये हकीकत है। और ये हम लोगों ने मगर क्यों, तो क्या है, मजबूरी है भाई, मजबूरी है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे दोस्तों का पेट खराब। ये हकीकत नहीं है, मजबूरी है, सॉरी। मैं कह भाई आपका भी पेट खराब है। ये देखें भाई साहब, इधर हमारी दाल साथ में चावल। दाल माश मुझे काफी पसंद है, और साथ में ये यहाँ पर इटालियन सैलेड है, आई थिंक उसको जाने दें। असल बात ये है, जो भी खाना खाएं आप उसको एंजॉय करना चाहिए, तो हम एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।